नमस्कार मैं हूँ जूली आप इस सब देख रहे हैं द इंडिया टॉप बिहार में इस वक्त डबल इंजन की सरकार है यहाँ पर सरकार सड़कों का जाल बिछाने की बात कहती है यातायात की सुविधा को दुरुस्त करने की बात कहती है इसको लेकर लगातार पुल और सड़कों का निर्माण भी करवाया जा रहा है लेकिन इन पुल और सड़कों की क्वालिटी कितनी खराब होती है इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए कि पिछले एक साल में अगर देखा जाए तो दर्जनों ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर पुल और सड़क बनने के कुछ ही दिनों बाद धाराशाही हो जाते हैं गिर जाते हैं ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इन पुलों को बनाने में जो क्वालिटी के मटेरियल का इस्तेमाल होता है उसकी समीक्षा कोई नहीं करता क्या इसी तरीके से अगर पुल बनते रहे निर्माण होते रहे तो लोगों की जिंदगी को कितना खतरा होता है आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं आपको बता दें कि ताज़ा मामला जो है वो जहानाबाद से सामने आया है जहाँ पर एक पुल बनकर शनिवार की शाम तैयार हुआ और रविवार की सुबह ही वो पुल गिर गया दरअसल शनिवार की देर शाम तक उस पुल की ढलाई का काम चलता रहा काम लगभग पूरा हो गया था थोड़ा सा काम जो बाकी था उसे पूरा करने के लिए रविवार की सुबह वहां पर मजदूर पहुंचे मिस्त्री पहुंचे लेकिन जैसे ही पुल पर कंक्रीट डाला गया वो गिर गया धाराशाही हो गया हालांकि इस घटना में किसी को कोई चोट नहीं पहुंची है जितने भी मजदूर वहां पर मौजूद थे उन्हें कोई चोट नहीं आई है सब मौके से भाग खड़े हुए लेकिन सोचिए अगर ये पुल बन चुका होता इसका उद्घाटन हो गया रहता इसे जनता के हवाले कर दिया गया रहता और इस पर लोग आ जा रहे होते गाड़ियां चल रही थी रही होती और इस दौरान इस तरीके से यह दुर्घटना होती तो कितने लोगों की जान खतरे में आ सकती थी ये सवाल अब बिहार सरकार पर उठता है कि हालांकि पुल तो बनाए जा रहे हैं सड़कें बनाई जा रही हैं लेकिन इनकी क्वालिटी की समीक्षा कौन करेगा बिहार सरकार को चाहिए कि वो एक टीम बनाए जो कभी भी पुल या फिर सड़क बनने से पहले उसके अंदर जो मटेरियल का इस्तेमाल हो रहा है उसकी गुणवत्ता की जांच करे और उसके बाद ही पुल के निर्माण की अनुमति दे अगर बिहार सरकार के ही पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की बात को माने तो उन्होंने कहा था कि किसी भी पुल के निर्माण के लिए अगर 10 लाख लगते हैं तो उसके लिए 60 लाख का फंड पास होता है लेकिन उसके निर्माण में 10 लाख रुपए भी नहीं लगते इसी का नतीजा है कि इस तरीके के घटिया क्वालिटी के पुलों का निर्माण होता है जो कि एक रात में ही गिर करके इस तरीके से ध्वस्त हो जाते हैं हालांकि आपको बता दें कि जहानाबाद में इस घटना में किसी को कोई चोट नहीं आई है लेकिन ये घटना बहुत बड़ी हो सकती थी अगर ये पुल उद्घाटन के बाद इस तरीके से दुर्घटनाग्रस्त होता आपको बता दें कि आसपास के ग्रामीणों ने बताया कि पानी पर एक पुल के लंबे समय से ज़रूरत थी बड़ी शिद्दत के बाद उप पुल का निर्माण हो रहा था उनका कहना था कि सेंट्रिंग के दौरान ज़रूरी मानकों और बातों का ख्याल नहीं रखे जाने से नवनिर्मित पुल अचानक से ध्वस्त हो गया अब इलाके के लोगों की को आवागमन के लिए कुछ दिन और पास बने डाइवर्जन का ही सहारा लेना होगा नए बने पुल के कुछ घंटे में ही टूटने की घटना को लेकर पीडब्ल्यूडी ने गीली मिट्टी को जिम्मेदार बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश भी शुरू कर दी है पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इम्तियाज आलम ने बताया कि बारिश की वजह से मिट्टी गीली होने के कारण सेंटरिंग के खंबे के नीचे की जमीन धस गई जिसकी वजह से यह दुर्घटना हो गई है और उसे फिर से ठीक किया जाएगा और इसका निर्माण फिर से किया जाएगा मामले में डीएम हिमांशु कुमार राय ने कहा कि पूरे मामले की जांच कराकर इसके लिए दोषी लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी निर्माण कार्य में किसी प्रकार का गुणवत्ता में ढिलाई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा वैसे जांच के बाद ही पता चल सकेगा कि आखिर किस कारण से पुल की ढलाई नीचे से गिर गई घटना के बाद मामले की जांच के लिए अधिकारियों की एक टीम शीघ्र जांच रिपोर्ट देने को कहा गया है लेकिन ये पहली बार नहीं है जब इस तरीके की घटना सामने आई हो इसी तरीके से कई बार ऐसी खबरें सामने आई है जहाँ पर पुल बनने के एक दिन बाद या एक महीने बाद ही गिर जाता है उसको लेकर के जांच के आदेश भी दिए जाते हैं लेकिन ये सिर्फ फाइलें दफ्तर से दफ्तर घूमती रह जाती हैं और मामला दब जाता है कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होती है जिसकी वजह से एक के बाद एक इस तरीके के मामले सामने आते रहते हैं तो ऐसे में सवाल ये है कि आखिर कब इस तरीके की घटिया क्वालिटी का पुल और सड़क बनने का जो सिलसिला है वो खत्म होगा बिहार सरकार को इसे लेकर के कड़ा एक्शन लेना चाहिए ताकि इस तरीके की घटना दोबारा भविष्य में ना घटे लोगों की जान को इस तरीके से खतरे में ना डाला जाए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही इस तरीके की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए द दे इंडिया टॉप धन्यवाद